पूरा देश आजादी के 75वें साल पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हर घर तिरंगा अभियान में पूरा देश का हर नागरिक बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। इसी क्रम में चंडीगढ़ के एमएलए हॉस्टल में भी 40 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया। इस पर हमारे संवाददाता पवन ने खास रिपोर्ट देखी। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था कि हर घर पर तिरंगा लगे, हर हाथ में तिरंगा नजर आए, और इसकी अब शुरुआत हो चुकी है। देश भर में इसका असर दिखने लगा है। इस वक्त मैं चंडीगढ़ के हरियाणा एमएलए हॉस्टल में मौजूद हूं। आज यहां पर ये 40 फीट ऊंचा तिरंगा जो है वो एमएलए हॉस्टल की पार्किंग परिसर में लगा है, जिसका जो है वो उद्घाटन हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने किया है। ज्ञानचंद गुप्ता यहाँ पहुंचे, उन्होंने ये ध्वजारोहण किया है, और ये अब तिरंगा जो है वो एमएलए हॉस्टल की पार्किंग परिसर में लग चुका है, और इसको लेकर काफी उत्साह जो है वो नजर आया। मेरे साथ इस वक्त हरियाणा विधानसभा के तमाम अधिकारी कर्मचारी मौजूद हैं जो यहाँ पर इस मौके पर पहुंचे हैं, और आप देख रहे हैं किस तरीके से उत्साह जो है वो यहाँ पर इस तिरंगे को लेकर नजर आया है। जो अभियान शुरू हुआ है देश भर में, इसका असर अब हर जगह नजर आ रहा है। आप जब जहां भी देखेंगे आपको तिरंगा अब जो है वो नजर आएगा, और मेरे साथ विधानसभा के तमाम जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे बातचीत करेंगे। किस तरीके से इस अभियान की शुरुआत की गई है, क्या कहेंगे, पूरे देश में इस अभियान की शुरुआत हुई है, कैसे देखते हैं? पवन जी, जिस प्रकार से पूरे देश में अभियान की शुruआत हुई है, हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, क्योंकि जन्मजात देशभक्त है, उन्होंने इस अभियान की शुरुआत में ही आज एमएलए हॉस्टल में ध्वजारोहण करके ये की है, और अब आने वाले 3 दिन तक 13, 14, 15 तारीख को पूरे हर घर में मतलब झंडा फहराने का जो ट्रिप अभियान है वो विधानसभा के कर्मचारियों की तरफ से किया जाएगा। आप क्या कहेंगे, ये जो है वो ध्वजारोहण किया गया, यहाँ पर स्पीकर साहब पहुंचे हैं, विधानसभा के अधिकारियों कर्मचारियों में कैसे उत्साह है इस आज कार्यक्रम को लेकर? सर, ऐसा प्रोग्राम हमारे ऑफिस में फर्स्ट टाइम हुआ है, और आज सब लोग इतने एक्साइटेड थे कि लग रहा था कि आज इंडिपेंडेंस डे है और लोग इतने अच्छे से मना रहे हैं। आपने हाथों में जो है वो एक देश का जी, ये क्या, किस तरह से क्या बनाया आपने, क्या ये महात्मा गांधी जी हैं, और ये इनकी लाठी, इन्होंने हमें आजादी दिलाई थी, हमारा तिरंगा, और ये 75वां अमृत महोत्सव है, प्राउड टू बी इंडियन, और जय हिंद, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और ये तिरंगा झंडा था जी। तो ये आप देख रहे हैं किस तरीके का उत्साह आप अधिकारियों में कर्मचारियों में देख रहे हैं। अपने हाथ पर जो मेहंदी है वो महिला कर्मचारी जो उन्होंने लगाई हुई है, और इसमें पूरा देश का आजादी का जो अमृत महोत्सव है उसका वर्णन किया है, साथ ही जो राष्ट्रीय ध्वज है वो अपने हाथ पर बनाया है। तमाम और महिला अधिकारी कर्मचारी भी हमारे साथ मौजूद है। मैम, क्या कहेंगे इस जो पूरे देश भर में तिरंगा अभियान को लेकर, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो हर घर तिरंगा का जो ये मुहिम चलाई गई है तो ये किसी उत्सव से कम नहीं है, और हम इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, और हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हम इस 75वीं जो आज़ादी की वर्षगांठ है उसको हम इस उत्साह के साथ मना रहे हैं। तो बहुत, आप क्या कहेंगे कि ये पूरा जो देश भर में तिरंगा अभियान चला है, हर घर तिरंगा, इसको आप किस तरह से देखते हैं? सर, बहुत उत्साह है सब में, और बहुत अच्छे से सब इसको मना रहे हैं, घर देशभक्ति का पता चलता है कि हाँ लोगों के अंदर कितनी देशभक्ति है। तो ये आप देख रहे हैं किस तरीके से इस अभियान को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान है उसको लेकर किस तरीके से हर जो युवा है चाहे उसमें इस तरीके से एक उत्साह है, और विधानसभा के कुछ अधिकारी कर्मचारी और मेरे साथ है। सर, आप क्या कहेंगे, ये आज ध्वजारोहण किया है, स्पीकर साहब यहाँ पहुंचे, किस तरह से देखते हैं आप इस अभियान को? ये एक बहुत अच्छी शुरुआत की है जी। जी, ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे सारे कर्मचारियों ने और सारे अधिकारीगण आके ये पूरी शुरुआत की है। इससे हम बड़ा खुश हैं। ये तिरंगा ये देश का मान है हमारा, घर घर तिरंगा, यहाँ से तिरंगा शुरू करके अपने घर भी लगाऊंगा, गाड़ी पे भी लगाऊंगा, हर जगह लगाऊंगा, 3 दिन लगातार। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, रात की एक यहाँ की तस्वीर लेना, ये पूरा एमएलए हॉस्टल एक तिरंगे के रूप में लाइटों से सजाया हुआ है। आज सुबह मैं न्यूज में देख रहा था कि कई हिंदुस्तान के कई जगह के तिरंगों के ऐसे जैसे सजाया उसकी दिखा रहे थे, तो मैं चाहता हूँ कि इसकी रात की भी एक दिखाई जाए। हरियाणा विधानसभा को भी इसी तरीके से भव्य तरीके से सजाने का कार्यक्रम तय हुआ है, और इसके साथ ही हरियाणा का जो एमएलए हॉस्टल है वो भी बहुत भव्य तरीके से सजाया जाएगा, और आज शाम को यहाँ पर जो लाइट है वो देश का तिरंगा इस पूरी इमारत पर आप तस्वीरों में नजर आने वाला है। आप क्या कहेंगे इस अभियान को लेकर जो नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है, देश के प्रधानमंत्री ने, युवा वर्ग में इसको लेकर काफी उत्साह देखा गया है? पवन जी, जो ये आज़ादी का उत्सव मनाया जा रहा है, इसमें जो कर्मचारी है, सामान्य वर्ग है, सभी बहुत खुश है। और जैसे हमारी एमएलए हॉस्टल की बिल्डिंग है, एमएलए हॉस्टल की बिल्डिंग को भी तिरंगे के रूप में सजाया हुआ है। इससे जो आने जाने वाले एमएलए हॉस्टल में जो गेस्ट आते हैं, रात को देखते हैं
तो उनको भी बड़ा अच्छा लगता है। इससे जो युवा पीढ़ी है उनमें भी बड़ी उत्साह की भावना होती है कि हमारे तिरंगे के प्रति प्रोत्साहन होता है। तो ये जो है वो तमाम एक बात और कहना चाहता हूँ जी, मैं एकता जी ने जो अपने हाथ पे ये इतना मान देश के लिए मेहंदी लगाई है, इसका मैं तह दिल से इनका शुक्रिया करना चाहता हूँ। ये एक उत्साह है सभी के अंदर जो जी बहुत, जो इन्होंने शुरुआत किया है मेरे को बड़ा पसंद है और ये बहुत अच्छी है। तो ये देखिए आप जो है वो जो 75वें आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में पूरे देश भर में जो हर घर तिरंगा अभियान है उस अभियान का अब असर दिखने लगा है, यानी 13 अगस्त से हर घर पर तिरंगा लगाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान है और उसकी अब शुरुआत जो है वो देश भर में हो चुकी है। इसी कड़ी में हरियाणा का जो MLA हॉस्टल है, हरियाणा की विधानसभा है, वहां पर भी जो है वो ध्वजारोहण किया गया है और तमाम जो अधिकारी हैं कर्मचारी हैं उनमें काफी उत्साह जो है वो आजादी के अमृत महोत्सव पर जो एक हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हुई है उसको लेकर उत्साह यहाँ पर नजर आया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता TV चंडीगढ़।